Now let's study about histogram. Bar graph categorical data को represent करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन histogram में हम numerical data को represent करते हैं, जैसे percentage में या फिर years में या फिर कोई भी numbers में। इसको एक example से समझते हैं। एक survey में जो Himalayan region में हुआ, उसमें एक मेडिसिनल प्लांट जिसको लाइकोपोडियम कहा जाता है, इसकी हाइट को इस प्रकार से नोट किया गया। यह प्लांट 1200 से 1400 के बीच में, इसकी एवरेज हाइट 34 सेंटीमीटर होती है। 1400 से 1600 के बीच में इस प्लांट की हाइट 32 सेंटीमीटर पाई गई। 1600 से 1800 के बीच इसकी हाइट 35 सेंटीमीटर पाई गई और 1800 से 2000 के बीच इस प्लांट की हाइट 30 सेंटीमीटर पाई गई। अब इस डेटा को हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम इसलिए क्योंकि इस साइड में जो हमारे पास में डेटा है वो नंबर्स में है, और मैंने कहा कि हिस्टोग्राम को हम हमेशा तब बनाते जब हमारे पास में न्यूमेरिकल डेटा होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है ये एल्टीट्यूड है। इधर से जो जिगजैग लाइन है ये शो करती है कि ये इंटरवल्स इसी टाइप से चले आ रहे हैं जिस तरीके से आप इसके आगे देख रहे हैं, मतलब 200 के गैप्स में, क्योंकि 1200 और 1400 के बीच में 200 का गैप है। ऐसे ही 1400 1600 के बीच में, और वैसे ही 1618 और 18 से 2000 के बीच में भी है। लेकिन ये जो वर्टिकल एक्सिस आप देख रहे हैं, जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, इस एक्सिस में आप ये नंबर्स को देख सकते हैं। ये एवरेज हाइट है जो प्लांट की है। सो ये 30 है, 31, 32, 33 एंड अप टू 35। इस तरीके से यदि हम पूछें कि 1200 से 1400 के बीच में इस प्लांट की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो आप इस ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि इसकी एवरेज हाइट लगभग 34 के पास में। यदि आपसे पूछा जाए कि इस प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप इस ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि 1600 से 1800 तक इस प्लांट की हाइट 35 सेंटीमीटर की, जो सर्वाधिक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सबसे कम हाइट इसकी कितनी एल्टीट्यूड पर है, तो आप बता सकते हैं कि लाइकोपोडियम की सबसे कम हाइट 1800 से 2000 के बीच में इस एल्टीट्यूड पर या इस ऊंचाई पर जो है इसकी सबसे कम हाइट पाई जाती है। तो इस तरीके से ये आपके डेटा को कैटेगराइज करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। पहले की ही तरह आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आप एक हिस्टोग्राम बनाएं, डेटा आपकी स्क्रीन पर है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में मार्क्स ऑब्टेंड है, जो आपने बच्चों के जो मार्क्स लिए हैं आपने उनको इस तरीके से इंटरवल में कैटेगराइज किया। आपने देखा कि 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच, और ये फ्रीक्वेंसीज है कि 20 से 30 के बीच 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 30 से 40 के बीच 12 बच्चों के नंबर आए हैं, 40 से और 50 के बीच 8 बच्चों ने स्कोर किया है, 50 से 60 के बीच 25 ने स्कोर किया है, और ऐसे ही 60 और 70 के बीच 18 और 70 और 80 के बीच 12 बच्चों ने स्कोर किया है। यहीं से आपको बहुत सारी कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें भी कॉलम्स हैं, और जो हिस्टोग्राम है इसमें भी कॉलम्स हैं। और कॉलम्स को देखते ही आपको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, कुछ चीज़ें आप नोट कर पा रहे हैं कि इनके बीच में एक गैप है, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। यही पहला डिफरेंस होता है कि जो बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल्स में चला हुआ आता है। जबकि इसके लिए हमें इंटरवल्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें केवल कैटेगरीज चाहिए। जैसे इस बार ग्राफ में आप ये कैटेगरीज देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल। दूसरा डिफरेंस है कि बार ग्राफ को हम कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि हिस्टोग्राम को हम कंटिन्यूस डेटा जो हमारा इंटरवल्स में होता है, जो डेटा हमारे पास में कंटिन्यूस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसको हम मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास में क्वालिटीज होती हैं, जिनको आप कैटेगरीज भी कह रहे हैं, तो ये क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, जबकि हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है। चौथा जो डिफरेंस है कि बार्स कैन बी रीऑर्डर्ड। बार ग्राफ में जो बार्स हैं
इनको हम रीऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेड को पर्पल की जगह में ले जाना चाहें तो आप इजीली उसको लेकर जा सकते हैं, और पर्पल को अगर रेड की जगह में लेकर आना चाहते हैं तो आप इजीली उसको लेकर आ सकते हैं। जबकि हिस्टोग्राम में ये रीऑर्डरिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरवल पर बेस्ड है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है, विड्थ ऑफ द बार इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे जो विड्थ होती है बार की ये हमेशा सेम होती है, जबकि इसमें जो विड्थ होती है ये चेंज हो सकती है क्योंकि इंटरवल्स हमारे चेंज हो सकते हैं। किसी के बीच में 200 का डिफरेंस, किसी के बीच में 400 का भी डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी विड्थ को सेम नहीं रखते हैं, ये चेंज भी हो सकती है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रिक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट्स ऑफ द बार्स। हम यहाँ जो ये जो हाइट्स हैं ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है वो फ्रिक्वेंसी एरिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ ये इंटरवल भी हमारे पास में और ये फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास में, तो हम यहाँ पे एरिया से डील करते हैं, जबकि बार ग्राफ में हम केवल हाइट से डील करते हैं या फ्रिक्वेंसी से डील करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, आप इसको एक सिंगल वैल्यू भी कह सकते हैं जो पूरे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को और डेटा की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को रिप्रेजेंट करता हो, और ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम मीन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीन अगेन दो टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लेकिन हम हार्मोनिक मीन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, जिसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एफ और एक्स और एन क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। ये अगेन आपकी स्क्रीन पर एक कैटेगराइजेशन है मार्क्स का। आपने ये देखा कि 20 से 30 जो प्राप्तांक बच्चों ने प्राप्तांक किए हैं वो 5 बच्चे हैं जिनके स्कोर्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। जिन बच्चों के स्कोर्स 30 और 40 के बीच में आए हैं वो 12 है, और इसी तरीके से ये पूरी टेबल है। आप इनका टोटल कर दें तो आपको ये पता चलेगा कि ये टोटल जो 80 है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स को आपने टेस्ट दिया था ये वही स्टूडेंट्स हैं। इधर उनके मार्क्स का केवल क्लासिफिकेशन है। जो एक्स वैल्यू है ये एफ वैल्यू है, जो एक्स वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट को आप कह सकते हैं इन दोनों का एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप 20 प्लस 30 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिड वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से 30 और 40 के अगर आप मिड वैल्यू की बात करें तो 30 प्लस 40 अपॉन 2 करेंगे तो 35 आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से आप इन सब का, इस पूरे क्लासिफिकेशन का मिड वैल्यू निकालेंगे और वो इसके सामने वाले खाने में आप भरते चले जाएंगे, तो ये आपका एक्स कैलकुलेट होता हुआ चला जाएगा। अब f इंटू एक्स मतलब f मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो 5 इंटू 25 दैट इज 125। इसी तरीके से 12 इंटू 35 जो 420 आ गया, 8 इंटू 45 जो 360 आ गया, और इसी तरीके से सभी नंबर्स के लिए आप कर सकते हैं। और जब आप इन सब का टोटल करेंगे, जिसको हम समेशन या सिग्मा भी कहते हैं, तो आपके पास में एक नंबर आएगा जो एफ एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो एफ एक्स हुआ है, उन सबको ऐड करके एक नंबर आपके पास में आ जाएगा जिसको हम समेशन से शो करें। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे 4350 आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स का टोटल किया हुआ ये नंबर है, और जो एन है वो आपका सैंपल है, जितने बच्चों को आपने टेस्ट किया था। तो जब आप 4350 को 80 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में एक नंबर आता है 54.375, जो इस डेटा का मीन है। अब मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन एवरेज वैल्यू, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सेंट्रल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। यदि आप मोटे मोटे तौर पे कहें तो आप एक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरी क्लास को। अगर मैं इस क्लास का, जिसमें 80 बच्चे हैं और अलग अलग जो बच्चों ने स्कोर किया है फ्रॉम 20 अप टू 80, जो भी बच्चों ने स्कोर किया, अगर मैं कहूँ कि क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या था, एक नंबर में आप मुझे बता दीजिए पूरी क्लास ने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो आप कह सकते हैं कि बच्चों ने अराउंड 54.375 स्कोर किया है। तो ये वो वैल्यू होगी जो इस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टैंडर्ड इंडेक्स या एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है और आपके पास में
इस तरीके का एक प्रश्न है जिसमें आपको गेन वेट इन केजीज दिया हुआ है और नंबर ऑफ बफेलोस दिया हुआ है। आपने इसमें एन कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है और इसके बाद में सारी वैल्यूज को पुट अप करके आपने मीन कैलकुलेट करना है।